कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये वाले फोटोग्राफ्स में देखिए, जस्ट इन दिस फोटोग्राफ, हाँ, तो यहाँ पे जो जिससे एयर इंटर होती है इन द बॉडी, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है नॉस्ट्रिल का, और नॉस्ट्रिल और टीथ के बीच में एक ये वाला जो व्हाइट सा आपको प्लेट दिख रही है, इसे बोलते हैं बोनी प्लेट, हिंदी में तलवा, है ना। और उससे जो एक रास्ता होकर के जाता है नॉस्ट्रिल से, उसे बोलते हैं बोनी पैसेज, ना। तो बोनी पैसेज में जो बोनी पैसेज का जो रास्ता होता है उसमें कुछ हेयर्स होते हैं ना नॉस्ट्रिल के अंदर, और वहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि नेजल पैसेज में जब हम लिखेंगे, एक तो सबसे पहले बात नॉस्ट्रिल के बारे में लिखेंगे ना, नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल क्या है? इट इज़ द ओपनिंग, नॉस्ट्रिल इज सिचुएटेड ऑन द एबव पार्ट ऑफ, नॉस्ट्रिल इज सिचुएटेड इज द एबव पार्ट ऑफ बोनी पैलेट, ओके। नॉस्ट्रिल इज सिचुएटेड, नॉस्ट्रिल इज सिचुएटेड एट द एबव ऑफ बोनी पैलेट, बोनी पैलेट के ऊपर स्थित है ना। इट्स मेन फंक्शन, इसका जो काम है, इट मेन फंक्शन टू टेक टेक एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट ना। यह एनवायरनमेंट से क्या लेती है? हवा, है ना। नो नेजल पैसेज क्या है? नेजल पैसेज में मैंने बताया कि इसमें कुछ हेयर और म्यूकस होते हैं, है ना, जो ये क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। कहाँ पे? विंड पाइप में, जो विंड पाइप में डस्ट पार्टिकल ना चले जाए ना, तो उस डस्ट पार्टिकल को इंटर इंटर होने से रोकते हैं। और म्यूकस क्या करता है? उनको हेयर क्या करता है? उनको चिप रोकता है, और म्यूकस क्या करता है? वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको चिपका लेता है अपने, ताकि वो विंड पाइप में ना जाने पाए, है ना। तो नेजल पैसेज के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लेंगे इसकी, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बारे में लिखेंगे कि हेयर एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। हेयर इसमें क्या प्रेजेंट है? हेयर, हेयर एंड म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज, इन द नेजल पैसेज फिल्टर्स, ये क्या करते हैं? फिल्टर्स द एयर, फिल्टर्स द एयर एंड रोकते हैं, दे प्रिवेंट या दे ब्लॉक, ठीक है, दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल, दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल इंटरिंग इंटरिंग अवर बॉडी, इंटरिंग इंटरिंग अवर बॉडी। तो ये नेजल नेजल पैसेज का काम था जो मैंने आपको बताया ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है फायरिंग्स। तो फायरिंग्स का क्या काम होता है कि फायरिंग्स एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका कोई खास काम नहीं, बट ये उस रास्ते को डिवाइड करता है, विंड पाइप और फूड पाइप के रास्ते को डिवाइड करता है। और मैंने यहाँ पे जहाँ पे ये फायरिंग्स है, इस जगह पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि उस जगह पे एक एपिग्लॉटिस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो एपिग्लॉटिस एक बॉल्ब की तरह होता है जो फूड जो है इंटर ना करने पाए एयर के रास्ते में, ना एयर पाइप में फूड ना जाने पाए, इस चीज़ को रोकता है एपिग्लॉटिस। और यहाँ पे जो फायरिंग्स है वो एक स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है विंड पाइप और फूड पाइप को। विंड पाइप मतलब कि ट्रैकिया और फूड पाइप एसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फायरिंग्स के बारे में, जैसे फायरिंग्स के बारे में लिखेंगे कि इट इज ए टीनी स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर है ये। इट इज ए टीनी स्ट्रक्चर, इट इज ए टीनी स्ट्रक्चर ना, प्रेजेंट लोअर साइड, प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ नेजल वैसे। इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स एसोफेगस, इट डिवाइड्स एसोफेगस फूड पाइप, एसोफेगस फूड पाइप ना। इट डिवाइड्स एसोफेगस एंड एंड ट्रैकिया एंड ट्रैकिया ट्रैकिया एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। ट्रैकिया एयर पाइप होता है, ट्रैकिया सॉरी एयर पाइप। तो ये काम हुआ किसका, फेरिंग्स का। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे देखो विंड पाइप है ना, ये इसी को मैंने बताया ट्रैकिया। इसके ऊपर बोनी छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जो इनको मैंने बताया था रिंग ऑफ कार्टिलेज ना। ये बहुत मुलायम बोन्स की बनी होती हैं और लचीली होती हैं, तो इन्हें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो ब्रांच उसी से आई है जिसपे रिंग ऑफ कार्टिलेज और लगे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ओके, उससे छोटी स्ट्रक्चर्स डाल जैसी दिखाई पड़ रही हैं, उनको बोलते हैं ब्रांकियोल और ब्रांकियोल्स। ठीक है, एलुलाई, एलुलस और एलुलाई। तो एलुलाई के बारे में मैं बताया था मैंने आपको। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट अपना लेंगे वो लेंगे एलुलाई को, है ना। एलुलाई को मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए कि एक स्ट्रक्चर इसमें से यहाँ का मैग्नीफाइड डायग्राम बना रहे हैं हम, ये ठीक है। जो ब्रांकियोल है ना, ये छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं ऐसे, ब्रांकियोल। यहाँ से ये ब्रोंकस जिसपे कार्टिलेज लगी हुई है, दिस इज ये जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ये क्या है, रिंग ऑफ कॉर्टिलेज। तो रिंग ऑफ कॉर्टिलेज के बाद यहाँ पे छोटी छोटी सी जो डिवाइड की गई हुई सिराएं हैं, ठीक है, इसमें से निकली हुई है ये वाली, इनको बोलते हैं, इस वाली को बोलेंगे ब्रोंकस, इस वाली को बोलेंगे ब्रोंकस, और इस वाली को बोलेंगे जो छोटी छोटी हैं उनको बोलेंगे ब्रांकियोल। ठीक है, ब्रांकियोल।
तो इन्हीं ब्रांकियोल्स में बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे टीनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, इस टाइप की छोटे छोटे ना, जो इन्हीं में लगे रहते हैं। तो ढेर सारी होती हैं, ये लाखों की संख्या में होती है ऐसे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? टीनी में ये क्या है? ये है एलोलाई। ये क्या है? एलोलाई। ये है टिनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टिनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। या ये होती है बंच ऑफ ग्रेप्स जैसी, हाँ बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूर का झुंड होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो एलोलाई होती है, इनमें इन्हीं में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्हीं एलोलाई में होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या रहता है कि अब हमारा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या रहती है कि यहाँ से माउथ के द्वारा, इसमें जब एयर आई यहाँ से इंटर करती हुई ऊपर, ऊपर माउथ से इसमें एंटर करती हुई एयर यहाँ पे आई ना O2, तो O2 जो हुई, O2 अब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ना। यहाँ पे क्या, ये ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगी? बॉडी सेल्स से, के साथ। ये ऑक्सीजन जाकर के कहाँ मिक्स होगी? प्लस बॉडी सेल्स, बॉडी बॉडी सेल्स। तो यहाँ पे बॉडी सेल्स में पहले से ग्लूकोज मौजूद है। बॉडी सेल्स में क्या मौजूद है यहाँ पे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस O2। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से मिला? बॉडी सेल्स से। बॉडी की कोई कोई भी सेल्स हो सकती हैं। बॉडी सेल्स क्या है? बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, जैसे कि हाथ की तरफ, लंग्स की तरफ ना, हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ ना, और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं बॉडी में। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उन सबों में क्या है? प्रेजेंट है बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स में क्या कंजर्व रहता है हमारा? ग्लूकोज ना। यहाँ पे बॉडी सेल्स में क्या है? बॉडी सेल्स कंजर्व करती हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज और प्लस O2 के साथ ये यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन से ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी आउट है, आउट एनर्जी, मतलब ये एनर्जी हमें मिलेगी फॉर यूज, यूज करने के लिए, जैसे कि दौड़ने के लिए, खाना खाने के लिए, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कोई, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट। आप कहाँ पे थे? हम दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे हमें एनर्जी आउट ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज यहाँ पे ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी।
अच्छा, ये बात तो थी एरोबिक रेस्पिरेशन की, यहाँ पे कि यहाँ पे लंग्स में, यहाँ पे लंग्स की एलोलाई में ना, लंग्स की ये वाला पॉइंट, लंग्स की एलोलाई में, ये जो एलोलाई है ना, एलोलाई में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब इसका एक्सचेंज कैसे होगा कि ऑक्सीजन से ना, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन गई, CO2 कैसे बन गया, और एनर्जी कैसे रिलीज हुई, ये समझना है हमें गैस गैस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस में ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैस में इस बात को आइए समझते हैं। मैंने बताया था कि इसमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का ना, जो लास्ट टाइम में मैंने पिक में बताया था। यहाँ पे देखिए, मैंने ये डिफ्यूजन बताया था, डिफ्यूजन में मैंने बताया था कि एक बीकर है यहाँ पे, बीकर में ये बीकर ग्लास का, और इस बीकर में ये वाटर, और इसमें मैंने इंक डाल दी, ब्लू कलर, ब्लू इंक, हाँ ब्लू इंक डाल दी, तो ये डिजॉल्व होना शुरू हो गई, और डिजॉल्व होने के बाद ये पूरे बीकर के, यहाँ पे जो ये अगला पॉइंट मैंने बनाया है, कि इस बीकर में ये ब्लू इंक फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, कि बिकॉज कि ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज किधर जाती है, लो कंसंट्रेशन, इसकी वजह से ये जो इंक थी, ये इंक हाई कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि ये अपने लो कंसंट्रेशन के मीडियम को पाना चाहती थी, इसीलिए ये इंक पूरे बीकर में फैल गई। और इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया, इस इंक का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, लो कंसंट्रेशन। उसी तरीके से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताएं कि एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पे ढेर सारी, इस वाले पोर्शन में, दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना। यहाँ पे जो एक मेम्ब्रेन बनी लगी हुई है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है, इससे क्या है, जो पार्टिकल्स, अब यहाँ पे प्रेशर प्रेशर है इन एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई। तो यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स इस वाले मीडियम में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने लो कंसंट्रेशन में जाना चाहते हैं, लो कंसंट्रेशन में उन्हें रहना है। तो हाई कंसंट्रेशन की चीजें लो कंसंट्रेशन की तरफ भागती हैं। अच्छा, तो ये कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, वो किस मीडियम में रहना चाहता है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन जब पा जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो चीज न्यूट्रल, न्यूट्रल कंसंट्रेशन पे आ जाएगी फिर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था, एक मैग्नीफाइड व्यू हम लेते हैं, एक मैग्नीफाइड व्यू लेते हैं एलोलाई का, जो ये मैंने एलोलाई बनाई है यहाँ पे, ये वाली एलोलाई, इसका एक मैग्नीफाइड व्यू लेते हैं। तो मैग्नीफाइड व्यू में मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे कि कहाँ गया पेपर, जस्ट ए सेकेंड, पिछली टर्न वाला पेपर मेरे पास हो गया है, आई थिंक, चलिए नहीं, देखते हैं। एक यहाँ पे ये ब्रोंकस, ये सॉरी, ये ब्रैंकियोल, और उस पे लगी हुई है ये एल्वोलाई ना, ये क्या है, एल्वोलाई। तो यहाँ पे एल्वोलाई ना, अब इस बॉडी सेल्स, यहाँ पे कोई बॉडी सेल्स होगी, यहाँ पे ना ढेर सारी बॉडी सेल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स में कोई भी ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, ब्रेन, तो ये बॉडी पार्ट्स बॉडी सेल्स के हुए, है ना। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनी,
वो ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसफर हो करके आएगी बॉडी सेल्स में। ओके, ऐसे देखो हम बना रहे हैं, ऐसे बॉडी सेल्स ये इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे इसका रास्ता ऐसे है, ये जैसे एरो बना हुआ, एरो की नोक उधर, ये इसका वे है। तो इधर बॉडी सेल्स में ये ऑक्सीजन आई, क्या आ रही है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यहाँ पे बॉडी सेल्स को क्या मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे बॉडी सेल्स हैव ग्लूकोज ना, बॉडी सेल्स हैव ग्लूकोज, तो यहाँ पे ग्लूकोज पहले से है और यहाँ से O2 आ रही, तो ये ग्लूकोज प्लस O2 मिक्स हो जाएगी और आगे यहाँ पे रिएक्शन जो होगा इन बॉडी सेल्स में, कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन शुरू हो गया, एरोबिक। अब यहाँ से इस बॉडी सेल्स से इधर की तरफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस एलोलाई में ना, यहाँ से इस एलोलाई में इधर से जाएगा क्या, CO2, यहाँ से कन्वे क्या होगा, CO2 का कन्वे। ओके, तो अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि जो, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सी बात है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा, किस पे ऑक्सीजन किसके साथ आ रही, ब्लड के साथ, ब्लड के ऊपर बैठ करके, सवार हो करके, तो किसके थ्रू आ रही है, ये जो वेन होती है इसको बोलते हैं, इस वाली वेन को, अगर मान इस वाली वेन को लंग्स से अगर ये बॉडी सेल्स को जा रही है, यहाँ पे क्या है, ये एलोलाई का जो अंश है ये क्या है, लंग्स। अब लंग्स से इस बॉडी सेल्स में जो जा रही है उसमें एक वेन वे, ये यहाँ पे ये लंग्स हो गया। ओके, एलोलाई वाला पार्ट। अब यहाँ से लंग्स से जो बॉडी सेल्स में लेकर के जा रही है वेन्स, उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी पल्मोनरी तो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ जाएगी, बॉडी सेल्स में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेकर के जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट, कि जो लंग्स से पूछा जाता है कि लंग्स से बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन लेकर कौन जा रहा है, तो आप बताओगे पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन लेकर के जाती है। ओके, अब इधर का जो पॉइंट है कि ये CO2 कौन लेकर के जाएगा, बॉडी सेल्स टू लंग्स, बॉडी सेल्स टू लंग्स को CO2 लेकर के कौन जाएगा, तो इसको लेकर के जाता है पल्मोनरी, ये कौन सी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, ओके, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कैसा ब्लड लेकर के जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप स्टूडेंट कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये लेकर के ऐसे जाएगी टू लंग्स, तो पल्मोनरी वेन लेकर के जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, बॉडी सेल्स टू लंग्स। ओके, और लंग्स से कौन लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है, पल्मोनरी वेन दिस वन, और कहाँ को, टू बॉडी सेल्स। ओके, तो ये आई स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका एक लाइनिंग डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो लाइनिंग डायग्राम देखिए, दिस इज लाइनिंग डायग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे
लाइनिंग डायग्राम, एक लाइनिंग डायग्राम बनाते हैं इसका। ओके, तो लाइनिंग डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे इसे, यहां पे इसको बना लिया लंग्स। लाइनिंग डायग्राम समझने के लिए आसान रहता है, इसलिए यहाँ पे लंग्स और इसके नीचे यहाँ पे बॉडी सेल्स। ओके, यहाँ पे बॉडी सेल्स। अब इस वाले लंग्स से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। ओके, और यहाँ पे जो बॉडी सेल्स हैं यहाँ पे आएगा, तो इसको इसमें से कनेक्ट कर देते हैं, दिस वन पॉइंट। ओके, दिस वन ओ टू, और मैंने बताया था कि दिस, ये जो पाइप है इसका नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ओके, और इसमें कौन सर, जरा सा मतलब पूरा पेज दिखाएंगे तो मतलब इजीली समझ में आएगा सर। ओके, बट सर पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि कैमरा इतना ही ले रहा है, इतना ही एरिया ले रहा है, इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे समझ में आ जाए। देखो वैसे जितना मैंने डायग्राम ये बना रहा हूँ ना, वो मैं इधर उधर इसको एडजस्ट भी कर रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे लंग्स से ये जो लेकर के जाएगी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेकर के जाएगी पल्मोनरी वेन टू बॉडी सेल्स। ओके, अब बॉडी सेल्स से, बॉडी सेल्स में यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बता दिया वो प्रोसेस है ना, कि ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से फिर बाहर निकलेगी CO2 बाहर निकलेगी और ये जाएगी कहाँ पे, टू लंग्स, दिस वन। ओके, ऐसे तो इसको ले जाने वाला जो ये एक छोटी सी पाइप है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना कि उधर से जो लाती है पल्मोनरी वेन और इधर से लाएगी पल्मोनरी आर्टरी, और ये हार्ट के केस में उल्टा हो जाता है, हार्ट के केस में यहाँ पे आर्टरी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ट के केस में उल्टा हो जाता है, हार्ट टू बॉडी सेल्स जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा वेन नहीं होगा, यहाँ पे आर्टरी होगी और इस जगह पे वेन होगी, उस केस में उल्टा हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे याद रखना। सो इस पे मैंने एक स्टार बना दिया है, और ये लेकर के जा रही है डी ऑक्सीजनेटेड। तो ये लाइनिंग डी ऑक्स, सर उसमें हर्ट से कहाँ पे जाएगी सर? उसमें यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा उसको अगले टर्न पे, सर्कुलेटरी में ना, कि लंग्स और यहाँ पे मिडिल में होगा हार्ट और यहाँ पे बॉडी सेल्स। ठीक है, तो हार्ट से जो जाएगा वो बॉडी सेल्स में जाएगा, यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा हार्ट का, यहाँ पे हार्ट। तो सर अभी जो हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है, मतलब लंग्स टू डायरेक्ट बॉडी सेल्स? हाँ, यहाँ पे जो मैं आपको समझाया हूँ वो डायरेक्ट समझाया हूँ, लंग्स टू बॉडी सेल्स। ठीक है, तो ये लाइनिंग डायग्राम है, ये लाइनिंग डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो, और इसका भी पूरा नंबर मिलता है लाइनिंग डायग्राम का, और इसमें आगे हम आपको बताएंगे एक, और इसमें आगे बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे फिर से, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आगे बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो कितने तरीके का होता है, काइंड्स ऑफ, सर दो तरीके का होता है सर, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। हाँ, काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन में टू टाइप्स है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है
सर एक कंफ्यूजन है सर, सर आपने जो अभी दिखाया कि सर लंग्स टू बॉडी सेल्स, सर वो क्या सिर्फ डायरेक्टली जाता है सर, मतलब बीच में कोई, आपने अभी जो दिखाया सर वो बीच में एक और एक पोर्शन आएगा? हाँ, उसमें कोई जरूरी नहीं है, लंग्स टू बॉडी सेल्स में डायरेक्ट भी जा सकता है ब्लड, और ये हार्ट से होकर भी जाता है। तो यहाँ पे मेनली सर 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 इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या, मतलब कब वो लंग्स टू डायरेक्ट बॉडी सेल्स जाएगा और कब वो हार्ट से होकर जाएगा, उसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग या कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो सेल्स उसको मिल रही हैं ना लंग्स को, तो वहाँ पे वो डिफ्यूज होकर के चला जाएगा। नहीं तो मेनली जो जो है उसको प्रोसेस वो हार्ट से वो करना पड़ता है। तो ज़्यादातर उसका 80% जो एरिया कवर करता है ना वो हार्ट कवर करता है, कि हार्ट अपर बॉडी सेल्स को भी भेजता है और लोअर बॉडी सेल्स को भी भेजता है, ठीक है। तो अब हम काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखेंगे कि दो टाइप का है, काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन और इसके प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, कि हम अगर रेस्पिरेशन की परिभाषा लें तो लिखेंगे कि द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड। रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो द रेस्पिरेशन विच यूजेज oxygen is called aerobic respiration में हम oxygen का use करते हैं, okay। तो aerobic respiration में क्या होता है, जो हम इसके थोड़ा केमिकल प्रोसेस को समझते हैं। एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन को पूरा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये है लिखा मैंने कि द रेस्पिरेशन, इसको एरोबिक में लिखे डेफिनेशन, दिस इज द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द रेस्पिरेशन विच डज नॉट यूज ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन विच डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक। तो एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एरोबिक में रेस्पिरेशन की जरूरत है। आइए इसके केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन में समझने के लिए क्या करते हैं, इसे एक प्रोसेस जो बॉडी सेल्स में शुरू होती है ना, यहाँ पे जो हम पॉइंट अपना ले रहे हैं वो ले रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे मेन बात क्या है, कि यहाँ पे सबसे मेन बात है कि ऑक्सीजन जरूरत है, ठीक है। तो जो इसमें केमिकल प्रोसेस बॉडी सेल्स में शुरू होता है वो ग्लाइकोलिसिस से शुरू होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वन मॉलिक्यूल containing one molecule contain करता है glycolysis, ठीक है, और 6 carbon molecules होते हैं इसमें। तो glycolysis की जो point होता है वो दोनों में शुरू होता है, चाहे वो oxy हो, चाहे aerobic हो, चाहे anaerobic हो, जो start करने का process है cells को वो glycolysis है। तो सबसे पहले glycolysis में ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में क्या फॉर्म करता है, ये ग्लूकोज। तो ग्लूकोज दोनों जगह बनता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनोरोबिक हो। तो ग्लूकोज से ये इसकी आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, और ये बनाता है पाइरूविक एसिड।
पाइरुविक एसिड जो होता है इसे पाइरुवेट भी बोलते हैं, पाइरुवेट। ओके, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3CO। सॉरी लाइट चली गई, आई थिंक आपको दिख रहा है कुछ। CH3CO CWOH। स्टूडेंट्स आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इट इज विजिबल? सर प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा। पूरा क्लियर नहीं दिख रहा ना, लाइट चली गई, सो आई डजेंट हैव एनी बैटरी और टॉर्च, सो हाउ टू क्लियर इट हाँ सर? कोई नहीं सर, सर आप बस थोड़ा सा मतलब कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए सर। ओके, हाँ अभी लाइट आ जाएगी, जस्ट जस्ट आफ्टर 1 or 2 मिनट। यहाँ पे CH3COO, और मतलब ये कीटोन का ग्रुप है और ये कार्बोजिलिक एसिड, तो इसे कहते हैं कीटोनिक कार्बोजिलिक एसिड, तो ये पायरविक एसिड है। ओके, पायरविक एसिड जो होता है सर इसमें इस जगह पर फिर से रिपीट करना सर। हाँ देखो, पायरविक, ये पायरविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से की प्रोसेस में पायरविक एसिड बनता है, और इसे पायरवेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है CH3CO CWOH। तो इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं मीथेन के साथ, यहाँ पे एक ये जो है ये CO, ये कीटोन कीटोन का ग्रुप है कीटोन, और ये जो CWOH है इसे बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, ये एक कीटोन था, ये कीटोन यहाँ पे कीटोन, और ये जो है कार्बोजेलिक एसिड है। सर ये कीटोन क्या होता है सर? कीटोन केमिकल है, ये केमिकल कंपाउंड से, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये जो इतना बताया ना ये पूरा एक कंपाउंड से, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप तो, इस ये पूरा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कीटोन और यहाँ कार्बोजिलिक। इसका पूरा नाम हो गया कीटोनिक कार्बोजिलिक एसिड, तो पायरविक एसिड को हम कीटोनिक कार्बोजिलिक एसिड भी कह सकते हैं, तो ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, पायरविक एसिड बनने के बाद ना, पायरविक एसिड बनने के बाद अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो ये जो आगे की प्रोसेस यहाँ से हो रही है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर ऑफ सेल्स का पावर हाउस सर होता है ना, हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे क्या हमें प्रोडक्ट बनेगा, CO2 एटी प्लस H2O प्लस एनर्जी। हाँ, और ये एनर्जी आउट है, मतलब कि ये एनर्जी में मिलेगी, तो यहाँ पे ये प्रोसेस मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में मिला, तो ये प्रोसेस जो पूरा चलता है ये, यहाँ पे एनर्जी हमें कितनी मिलती, 38 ATP, 38 टोटल, जो एक यहाँ पे एक ग्लाइकोलिसिस मॉलिक्यूल से, एक ग्लाइकोलिसिस मॉलिक्यूल से हमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 ATP मिलती है। एटीपी होता है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी मिली जो यूज होती है हमें अपने वर्कआउट में। अच्छा, ये प्रोसेस तो यहां तक तो ठीक है, आप देखिए यहां तक, मतलब कि पाइरवेट तक, ये जो मैंने बनाया था, तो इसके बाद का प्रोसेस जो इधर की तरफ हम तुम्हें दिखा रहे हैं, आपको इधर की तरफ एनारोबिक दिखा रहे हैं, एनारोबिक,
ठीक है, एनारोबिक में क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस हो गई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, ईस्ट में, कहाँ पे, ईस्ट में, इन ईस्ट, एक प्लांट होता है ईस्ट, नॉन ग्रीन प्लांट, तो ईस्ट में जो होती है वो एग्जाम्पल के तौर में, एग्जाम्पल के तौर पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, है ना सर, वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है ना सर, हाँ एथेनॉल, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, एथेनॉल जो है वो अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, तो वो एथेनॉल बनाता है, या अल्कोहल भी कह सकते जी, हो जी सर। और ईस्ट जो है एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ये फंजाई ग्रुप, फंजाई फैमिली का है, फंजाई का, इसको बोलते हैं हिंदी में कवक, ओके। तो ईस्ट की जो प्रोसेस होगी वो होगी इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बन रहा था वो भी साइटोप्लाज्म से होगा, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित अब्सेंस है, इसलिए यहाँ पर भी जो ये प्रोसेस होगी वो होगी साइटोप्लाज्म में ही, ओके। तो ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो इसमें बने क्या, इसमें अल्कोहल बनेगा, इसको कहते हैं, इसका अल्कोहल का ही ग्रुप है जिसे कहते हैं एथेनॉल, एथेनॉल, तो जस्ट ये नहीं होना चाहिए, एथेनॉल प्लस CO2 और प्लस क्या, एनर्जी, लाइट आ गई, तो एथेनॉल बनेगा, ये अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप का एक फैमिली का कंपाउंड है ये, और इसमें जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत कम एनर्जी होती है, 2 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो 38 ATP रिलीज हो रही थी, ओके। तो इन साइटोप्लाज्म में यहाँ पे पूछा जाएगा कि ईस्ट के केस में ना, फंजाई के केस में ईस्ट पूछ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ईस्ट भी पूछ सकता है, फंजाई के नाम से भी पूछ सकता है, तो फंजाई के केस में पूछेगा आपसे कौन सा रेस्पिरेशन होगा और उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो फंजाई के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल दिया रहेगा या अल्कोहल भी दिया रहेगा, दोनों हो सकते हैं, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी सर, ईस्ट एक फंजाई है क्या सर? हाँ मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फंजाई ग्रुप का है ये ईस्ट, ओके। अच्छा एक चीज और, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, किसमें, माइंड में, तो यहाँ से पाइरुवेट के पास से यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, ओके, ये मैंने इधर की तरफ लेकर के आया हूँ, ऐसे हमारी बॉडी में कब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में, ये हम लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब अब्सेंस, ऑक्सीजन अब्सेंस हो रही कब इन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं, और कब होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी कब होती है, कि जब हम दौड़ते रहते हैं, मान लीजिए कहीं से कहीं पर दौड़ना शुरू किए और हमारी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है कि सेल्स में ये पाइरुवेट बनना चालू हो जाता है, ये जो रहता है पाइरुविक एसिड, ये बॉडी में पाइरुविक एसिड बनना चालू हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, तो ग्लूकोज अब आप और दौड़ना चाह रहे हैं, ग्लूकोज बॉडी में है नहीं, तो बॉडी क्या करती है, पाइरुविक एसिड यहाँ पे आगे का प्रोसेस जो चलना चाहिए CO2 plus H2O का वो नहीं चल रहा, लेकिन ये जो पाइरुविक एसिड थी इसकी मात्रा बढ़ने लगी ना, इंक्रीज होने लगी, तो क्या होता है जब ये पाइरुविक एसिड बढ़ने लगता है तब बॉडी बनाने लगती है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और उस दौरान ये एनर्जी बहुत कम बनाती है, सिर्फ 2 ATP इसे बनाना चाहिए, 38 ATP बनाती है सिर्फ 2 ATP, तो वहाँ पे केस में ये क्या होने लगता है लैक्टिक एसिड, ये कब होता है, क्रैम्प्स ऑफ मसल्स, जो धावक होते हैं जब खेल के मैदान में दौड़ाए जाते हैं
तो बीच रास्ते में गिर जाते हैं। कब? क्योंकि उनके अंदर जो ऑक्सीजन थी ना वो बनना बंद हो गई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो जा रही है पर जो CO2 और हाइड्रो। हाँ सर, क्लास 8 में सर। हाँ सर, क्लास 8 में था कि ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि सर अगर मतलब अगर आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, तो फिर उसने कहा था कि सर वो हॉट वाटर में कुछ मसाज करने से शायद वो ठीक होता है सर। जी 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 सही सही बात। तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, मतलब कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या बनने लगता है, तो लैक्टिक एसिड मसल्स में बनने लगती है। और वो क्या रहता है कि जब हिरन को जब शेर दौड़ाता है तो उसकी भी बॉडी में ऐसी लैक्टिक एसिड बनने लगती है, और वो हिरन गिर जाता है बीच रास्ते में। और क्योंकि शेर की मसल्स में इतने ज़्यादा ग्लूकोज और वो उसकी बॉडी में रहता है कि उसमें कमी नहीं होती है। और हिरन का शरीर इतना दुबला पतला होता है जिसमें उसमें क्या हो रहता है कि उसके जो पैर लेग्स की जो मसल्स होती हैं, पेट की मसल्स होती हैं, तो लेग्स की मसल्स में सबसे पहले लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है और बीच रास्ते में वो गिर जाता है, जिसकी वजह से शेर उसे अपना शिकार बना लेता है। तो यहाँ पे यही केस है बस कि पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या बनता है, तो आप बताओगे कि लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। और लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3CHOH and COOH। तो इसमें इसमें दो मेथिल मेथिल के साथ मेथिल ग्रुप के साथ यहाँ पे दो ग्रुप और लगे हुए हैं, एक अल्कोहल का OH अल्कोहल है और COOH ये कार्बोजिलिक एसिड है। ठीक है, तो दो ग्रुप से यहाँ पे एक साथ आए हुए हैं, अल्कोहल अल्कोहल और कार्बोजिलिक एसिड। तो इसके मिलने से बना हुआ है ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला। ये लैक्टिक एसिड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CHOH COOH, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी सही है। और ऐसे केमिकली ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो CH3CH OH and COOH, ऐसे। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हो दिस वन, ऐसे भी लिख सकते हो। ये था लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ना। एक्चुअली रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं ना, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, एनर्जी कैसे रिलीज होती कि हम यहाँ पे कोई चीज लिया, जैसे कि फूड लिया अपना, ठीक है, यहाँ से हमें ग्लूकोज मिला फूड से, दिस वन, ठीक। इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, ना रेस्पिरेशन से यहाँ पे हमें मिलेगा ATP, है ना, और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा CO2 प्लस वाटर, है ना। तो ये जो प्लस एनर्जी ना, तो एनर्जी क्या है, ये दिस वन, ये एनर्जी है ATP। ओके, तो ATP जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है, कैसे, जैसे कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन, ये ट्राई है, ट्राई मीन्स यहाँ पे TRY होता है, ट्राई मीन्स तीन, और डी है यहाँ पे, डी मीन्स डाई।
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ठीक है प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और प्लस एनर्जी, और प्लस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी एटीपी, हाई एनर्जी एटीपी बन जाती है। तो एटीपी बनने से पहले ये इतनी प्रोसेस होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होती है वो फॉस्फेट के साथ और एनर्जी के साथ कन्वर्ट होकर के क्या बन जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है। और फिर क्या होता है, जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज कर ली जाती है, कोई वर्कआउट किया आपने ना, या मजदूर ने कोई काम किया, तो मजदूर के सेल्स में एटीपी थी लेबर के, और लेबर ने काम किया, तो ये फिर एटीपी इसी तरीके से इसमें चेंज हो जाती है, ये इस वाले प्रोसेस में, कि ये एडीपी हो गई प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट और प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी ये इसमें चेंज हो गई। तो ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेड है, एटीपी एडीपी से एटीपी और एटीपी से एडीपी, ये बनता रहता है हर समय ना प्रोसेस, ये प्रोसेस हर समय चलता रहेगा। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओके, तो यही था इसमें। और आज हम बात, हाँ सर, एक एटीपी मॉलिक्यूल में कितना जूल होता है सर? एक एटीपी में सर, जी जी सर, हाँ 31 किलो जूल्स पर मोल, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे 31 किलो जूल पर मोल्स, 1 एटीपी में ये एनर्जी रहती है, वो मोल्स के फॉर्म में है यहाँ पे ठीक है। तो मैंने आपको ये तीन रिएक्शंस बताए हैं यहाँ पे, एक रिएक्शंस ये मैंने बताया, इसमें तीन रिएक्शंस है जो मैंने ग्लूकोस ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट एसिड, पाइरुवेट एसिड से पहला रिएक्शन यहाँ पे बताया था मैंने, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन मैंने बताया था ईस्ट वाला जिसमें कि एथेनॉल प्लस CO2 मिलेगी, और तीसरा रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताया ह्यूमन बीइंग के केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन की लैक्टिक एसिड बनेगा ना। तो ये तीन रिएक्शंस यहाँ से बन रही हैं पाइरुविक एसिड के बाद से ठीक है। तो ये याद रखना बहुत आसान भी है, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में आएगा ना। तो रेस्पिरेशन इन टाइम कितना हुआ है मुझे, 4-4 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक मिनट। सर अगर आपके पास अगर टाइम हो तो सर, मतलब अगले दिन वो हेरिडिटी वाला सर चैप्टर अगर मतलब फिर से थोड़ा मतलब रिपीट करवाए तो सर। कौन सा चैप्टर? हेरिडिटी वाला सर। हेरिडिटी सर, हाँ हेरिडिटी तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे अभी ये। हाँ सर वो, हाँ सर उसका तो शेड्यूल, हाँ बोलिए सर उसका अगर, हाँ कब पढ़ाएंगे तो उसका अगर सर शेड्यूल टाइम है वो इसी के बाद अच्छा कंटिन्यू करेंगे ठीक है। ये पहले खत्म हो जाए, देखिए इसमें जो हमारा है ना वो क्या क्या है कि न्यूट्रिशन वाला है एक पॉइंट था इसमें, न्यूट्रिशन के बाद इसमें इसमें आया है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया तीन, उसके बाद
सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया देखो कितना हो गया, एक दो थ्री फोर फाइव, फाइव में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ये वाले पांचों पॉइंट। तो ये वाले पांचों पॉइंट जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वाले पांचों पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, और इन पांचों पॉइंट का हम आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल करा देंगे। आपको नोट्स हमारे उसी एम्पावर्ड लर्निंग ऐप्स है ना, उसी पे नोट्स मिल जाएंगे हमारे इस चैप्टर के। ये पांच पॉइंट हम कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इन पांचों पॉइंट्स के जो नोट्स हैं वो एम्पावर्ड लर्निंग पे आपको मिलेंगे। अच्छा, रेस्पायरेशन में हम प्लांट्स में रेस्पायरेशन देखते हैं। प्लांट्स लाइट्स फिर चली गई यार, तो आज के लिए फिर मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे कल हमारी क्लास होगी 3:00 PM पर, ओके सर। सेम टाइम ना सर? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर सेम टाइम ना सर? हाँ सेम टाइम 3:00 PM, 3:00 PM डेली, ओनली एब्सेंट इन संडे, ओके। और डेली रहूंगा बाकी। ओके सर, ओके। तो हेलो, आर यू लिसनिंग कमल सर? यस आई एम लिसनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन द क्लास। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट होता है, किसी भी को भी कोई अलग से कोई क्लास लेनी है, तो वो सर की एक अलग से क्लास बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आपको सिर्फ हमारी ऐप जो एम्पावर यू लर्निंग ऐप है उसमें जाना है। उसमें आपको नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में बुक अ क्लास येलो कलर का वो दिखेगा बैच, उस पर आप क्लिक करेंगे और टीचर्स में जाएंगे तो आपके पास सर के प्रोफेसर अपना नाम बता दीजिए ताकि स्टूडेंट आपको उस नाम से सर्च कर पाए। ओके, माय नेम इज जयप्रकाश, जयप्रकाश सर। ओके ठीक है, तो आपको जयप्रकाश सर के नाम से, हाँ जी जयप्रकाश फ्रॉम लखनऊ, या सो आपको जयप्रकाश सर की प्रोफाइल आपको वहां पे दिख जाएगी, आप उनकी अवेलेबिलिटी। सर मैं अपने स्टूडेंट्स को, हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को हर चीज सिखाऊंगा, उन्हें अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वन टाइम्स तो मैं उसे अगेन रिपीट करूंगा और उसके नोट्स भी हम इन्हें अवेलेबल कराएंगे। जी तो जो नोट्स का सबमिट मटेरियल होगा वो आपके एम्पावर्ड लर्निंग पर अवेलेबल होगा। या और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर सर की पर्सनल क्लास बुक करनी है तो एक नॉमिनल प्राइस जो है 30 रुपीज वो पे करके सर की क्लास को बुक कर सकता है। ओके, एक घंटे की क्लास है सर की। छोटा सा एक अमाउंट है जो आप पे कर सकते हैं आप हमारे लिए। जी जी सर, भी इतना आपको टाइम दे रहे हैं तो वी आर रियली थैंकफुल टू सर हु लाइक आप इतना समय दे पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सर बायो तो पढ़ाते ही हैं, आई थिंक केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। हाँ केमिस्ट्री भी सर मैं अभी शुरू नहीं किया, मैं सोच रहा था कि एम्पावर पे और टाइम दूं क्योंकि एक कोचिंग भी मैं ज्वाइन कर रखा हूं, अभी वहां भी जाते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, तो आप वहाँ के जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं तो सर को आप क्लास बुक करके उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं और अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट अपने क्लियर करवा सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। अनुपम और प्रांतिक रॉय ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, इसके अलावा यूट्यूब पे अगर किसी को कोई डाउट है जो हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकता है ताकि हम आपके क्वेश्चंस को सर तक पहुंचा पाएं। श्योर सर। ओके सर, ओके सर, थैंक्स। ओके थैंक सो मच ऑल। ओके ओके सर, बाय सर। नाउ कैन वी लीव द क्लास सर? हां सर, नाउ आई एम एंडिंग द क्लास एंड नेक्स्ट डे टुमारो आई विल मीट यू अगेन। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, sir.